देश की आज़ादी से पहले 76 साल पुराने सीबीएसई से समृद्ध हाई स्कूल कुंदन विद्या मंदिर में आज दो दिवसीय स्थापक दिवस धूमधाम से संपन्न हुआ। समारोह के दौरान लुधियाना के डिप्टी कमिश्नर प्रदीप अग्रवाल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। इस अवसर पर स्कूल ट्रस्टियों की समस्त टीम मौके पर मौजूद रही। 5000 से अधिक स्कूली बच्चों वाले इस विद्यालय के आयरन ईगल कैडेट्स ने मुख्य अतिथि को गार्ड ऑफ ऑनर देकर स्वागत किया। उधर दीप प्रज्वलन के उपरांत सांस्कृतिक कार्यक्रम भी बेहद ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया, जिसमें श्री कृष्ण लीला की झलकियों को नन्हे मुन्ने बच्चों ने बेहद ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया, जिससे मौके पर हर शख्स वाह वाह कर उठा। ये जो फंक्शन है, ये हमारे फाउंडर लेट कुंदन लाल जी का जन्म दिवस होता है, तो उसके उपलक्ष्य में हम इस डे को मनाते हैं। तो अभी आज हमारा जो यहाँ फंक्शन है, ये फाउंडर्स डे फंक्शन है और ये हमारे लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। स्कूल के पूरे कार्यक्रम में, जो पूरे साल का कार्यक्रम है, उसमें ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। इसमें सैकड़ों बच्चे जो हैं पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और पूरा खुशी का माहौल होता है। इस टाइम तो ज़्यादा है, बिकॉज दिवाली भी है और स्कूल का फंक्शन भी है। आपने देखा होगा कि पूरे स्कूल के अंदर एक त्यौहार जैसा माहौल है। आज के इस फंक्शन में जो भी बच्चे परफॉर्म करेंगे, जो भी आइटम्स पेश होंगी, उनमें कोई ना कोई मैसेज होगा समाज के लिए। जो आज के दिन समस्याएं हमारे देश में फैली हुई हैं, उनको एड्रेस करते हुए हर आइटम पेश की जाएगी। विशेष तौर पर जैसे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान है, उसके ऊपर एक स्किट पेश किया जा रहा है। तो यही हमारा है कि ये फंक्शन जो है, ये हमारे इस विद्यालय के सारे साल के कार्यक्रम में सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है और इसको हम बड़े धूमधाम से मनाते हैं और हर प्रयत्न करते हैं कि जो भी आइटम पेश हो उसमें कोई ना कोई सामाजिक दृष्टि से कोई मैसेज दिया जाए, जिसका कि असर सब बच्चों पे और पेरेंट्स पे रहे। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय की प्रधानाचार्य श्रीमती नविता पुरी ने वार्षिक रिपोर्ट के माध्यम से स्कूल की समस्त गतिविधियों के बारे में प्रकाश डाला। ये दिवाली के उपलक्ष्य में नहीं किया जा रहा, ये हमारे फाउंडर जो लेट श्री राय साहब कुंदनलाल जी है, उनका जन्म दिवस होता है तो उसको हम मनाते हैं। तो उसके उपलक्ष्य में ये हम हर साल फंक्शन करते हैं। तो इसमें बच्चे जो हैं वो हमें बहुत अच्छा संदेश देने जा रहे हैं कि उन्होंने एक एक जो आइटम के अंदर वो 250-250 बच्चा जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा है और कितनी सुंदर तरीके से उन्होंने टीम वर्क के अंदर वो अपना आज का जो फंक्शन हमें दिखाएंगे। और ये फंक्शन जो है ये संस्कारों के ऊपर बेस्ड है। वैल्यूज़ जो हमारे फाउंडर ने हमें एक पाथ दिखाया था वैल्यूज़ का, उसी पाथ को दिमाग में रखते हुए हम लोगों ने ये प्रोग्राम तैयार किया है। मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि जो हाई कोर्ट ने दिया है वो सही ही फैसला दिया है, तो हमारे बच्चों को भी चाहिए कि वो पटाखों का कम से कम यूज़ करें, क्योंकि इससे हेल्थ जो हैज़र्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा फैल रही हैं। तो उसी को माइंड में रखते हुए शायद ये हाई कोर्ट ने फैसला दिया, तो हमें इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जागती लहर के लिए लुधियाना से राजेंद्र अरोड़ा की रिपोर्ट।